चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, इस महामारी के समय में जबकि पूरी दुनिया में ही महामारी है, उसके बचाव के लिए, महामारी से बचाव के लिए चमत्कार चर्च में लगातार प्रार्थना होती रही है। पहले दिन से ही प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं ताकि इस महामारी से लोग बचाए जा सके। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जितने भी हमारे संपर्क में रहे हैं, प्रभु की दया उन पर रही है और प्रभु ने उन्हें बचा कर रखा है। अब मैं एक आपसे बात करना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने एक दिन रखा है 9 जुलाई रात 8 से 9 बजे तक, इंडियन टाइम रात 8 से 9 बजे तक, 9 जुलाई वीरवार को एक दिन रखा है। उस दिन महामारी से बचाव के लिए आप वीडियो कॉल से प्रार्थना करवा सकेंगे, आप मुझसे वीडियो कॉल से प्रार्थना करा सकेंगे इस महामारी से बचाव के लिए। वीरवार 9 जुलाई रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, लेकिन जो इंडिया के बाहर हैं उसी दिन रात 9 से 10 बजे तक, जो भारत के बाहर के दूसरे देशों के लोग हैं उनके लिए टाइम है रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। और इंडिया के लोगों के लिए टाइम है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, 9 जुलाई वीरवार के दिन। देखो, आज जबकि पहले बुखार को आम एक बात समझते, बुखार हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन आज अगर किसी को बुखार हो जाता है तो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि बुखार के लिए क्या करे, दवाई कहाँ से ले, क्या करे क्या ना करे। और बुखार हुआ, जुकाम हुआ, जिनको अपने छोटी छोटी बातें सोचते थे भी छोटी सी बीमारियां हैं, खांसी होगी और वो ठीक हो जाती थी अक्सर ही, तो लेकिन अब किसी पता चले कहीं भी जाना हो तो पहले बुखार चेक करते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, बुखार तो नहीं है। तो बुखार एक बहुत बड़ी एक समस्या लोगों में है इस समय, और जुकाम है, जहाँ खांसी आ रही है तो एक थोड़ा सा खांस दे और सब लोग दूर हो जाते हैं भी कहीं कोई इसको कोई महामारी का असर तो नहीं इस पर। और जहाँ सांस लेने में दिक्कत है तो भी एक बड़ी, ये एक बड़ी, अब जो ये छोटी छोटी बीमारियां थी ये अब एक बड़ी बीमारियां बनकर उभर कर सामने आ गई हैं। लोग बुखार से डर रहे हैं, कोई छींक दे, खांसी से, जुकाम से लोग डरते हैं। ये तो इन समस्याओं के लिए, इन बीमारियों के बचाव के लिए हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। मैं, आप याद रखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको चंगा करूँगा। उस दिन हम, मैं और आप जो लोग वीडियो कॉल करेंगे, उस दिन हम लोग आपके लिए, मैं और आप दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, जमीन आसमान को बनाने वाले परमेश्वर जी, इन पर महामारी का असर ना हो। हालांकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको बताऊं मैं, उसके लिए हम लोगों ने कोई फीस नहीं रखी हुई है और ना ही कोई डोनेशन रखा हुआ है, ना कोई चर्च के लिए फंड रखा हुआ है कि आपको ये इतना फंड देना है, ये चर्च के लिए डोनेशन भेजना है, जहां आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ। सो आप चाहेंगे तो आप 8 से 9 बजे तक आप प्रार्थना करा सकेंगे, इंडिया के लोग, और बाहर के लोग 9 से 10। हाँ, हालांकि जैसे मलाकी 3:10 वचन में लिखा हुआ है कि अपने दशमांश भवन में लेकर आओ, और ऐसा करने से मैं आकाश के झरोखे खोलकर आपको आशीष की वर्षा करूँगा, और जो तुम्हारे नाश करने वालों को परमेश्वर कहने में धुड़कूंगा, झिड़कूंगा, डांटूंगा। जो वायरस आपकी हानि करता है उसको परमेश्वर कहते हैं मैं डांटूंगा, जो वायरस आपका नुकसान करता है परमेश्वर कहते हैं उसे मैं डांटूंगा। वहां पर ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर कहते हैं ऐसा करके मुझे परखो, परख कर देखो। हालांकि बहुत जगह पर यह लिखा कि परमेश्वर को ना परखें, लेकिन यहां पर परमेश्वर कहते हैं मुझे परख कर देखो, अपने दशमांश देकर देखो, परख कर देखो मैं कैसे आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूं कि नहीं करता, और मैं फिर तुम्हारे नाश करने वाले को झिड़कूंगा, जो तुम्हारी कमाई को खा रहा है, तुम्हारा पैसा बीमारियों में जा रहा है, तुम्हारा पैसा टूट फूट में जा रहा है, वहां पर जो नुकसान होने वाली, जहां से नुकसान हो रहा है, परमेश्वर कहते हैं मैं उसको डांटूंगा, निश्चय तुम अपनी कमाई खाओगे। तो आप प्रभु के लिए आप चाहें तो आप भेंट भेज सकते हैं, और फिर जिनकी अपॉइंटमेंट हम लोग फिक्स कर लेंगे, हम लोग उन्हें सूचना देंगे। पिछली बार भी बहुत से लोग फोन कर रहे थे और बार बार हमें फोन कर पूछ रहे थे, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपको सूचना खुद ही सूचना दे देंगे। और उस दिन
हम लोग कोशिश करेंगे जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकें, वीडियो कॉल से प्रार्थना कर सकें। सो याद रखिए इस दिन को कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे और परमेश्वर आपके साथ बना रहे। आमीन।